सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गलतियाँ करने में बिताया गया जीवन न सिर्फ अधिक सम्मानीय है बल्कि बिना कुछ किए बिताए गए जीवन से अधिक उपयोगी भी है। हर रिश्ते का नाम जरूरी नहीं होता मेरे दोस्तों। कुछ बेनाम रिश्ते रुकी हुई जिंदगी को सांस देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। आज का पंचांग 20 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि, रात्रि 9:30 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नामक नक्षत्र सुबह 9:22 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:29 से 11:35 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 20 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार, आप अपने आप को विभिन्न दिशाओं में आकर्षित अनुभव कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए। यह परेशानी आज और ज्यादा बढ़ेगी और आपके लिए फैसला लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। आपको सावधानी से काम लेना होगा क्योंकि आपके फैसले लेने की क्षमता भावनाओं और दूसरे कारणों से प्रभावित हो सकती है। आज आप रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर कुछ नया करने की सोचेंगे। इससे आपकी मानसिक और शारीरिक थकान दूर होगी और एक नई ऊर्जा का प्रभाव अपने अंदर महसूस करेंगे। फाइनेंस से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज का दिन उत्तम है। परिवार में किसी शुभ कार्य की शुरुआत हो सकती है। कार्य की शुरुआत करते समय आपको पैसों की चिंता थोड़ी सता सकती है लेकिन आपकी अपेक्षा अनुसार पैसा उपलब्ध भी होगा। मिले हुए पैसों को संभाल कर खर्च करें वरना आप पर लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है। आमदनी बढ़ाने के लिए करियर संबंधित थोड़ी रिस्क लेनी होगी। आपके पार्टनर को दूरदृष्टि से सोचकर योजना बनाना बखूबी आता है, इसलिए योजना बनाते समय उनकी सलाह लें। सावधानियाँ, कोई भी कार्य करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर अच्छी तरह से सोच विचार अवश्य करें। इस समय धन संबंधित कुछ नुकसान होने की स्थिति बन रही है। दोस्तों के साथ व्यर्थ घूमने फिरने में समय बर्बाद ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की, पति पत्नी का आपस में प्रेम भाव बना रहेगा। विपरीत लिंग के मित्रों से दूरी बनाकर रखना उचित रहेगा। आपके लिए वर्तमान स्थिति काफी मुश्किल भरी भी हो सकती है लेकिन सहन करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आज भी आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो सकती है और अगर स्थिति अधिक खराब हुई तो अलग होने की नौबत भी आ सकती है, लेकिन आपको शांति बनाए रखनी होगी क्योंकि यह अस्थायी चरण है। खुद पर अपने अहंकार को हावी ना होने दें। आगे बढ़कर बातचीत से अपने पार्टनर के साथ सब गिले शिकवे हमेशा के लिए दूर कर लें। बात करते हैं करियर की, आज उत्तरार्ध में एक व्यापारिक यात्रा आपको करनी पड़ सकती है या बौद्धिक विवेक को बढ़ाने के लिए एक महान अवसर होगा। अगर आप अपने आप को बोझिल महसूस कर रहे हैं तो पूर्वार्ध में अवकाश लेकर अपने आप को तैयार करें कि किस तरह से आप अपने आप को औरों के सामने प्रस्तुत करेंगी। रिस्क प्रवृत्ति के
कार्यों से दूर रहें। वर्तमान समय में जैसा चल रहा है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। अनजान लोगों के साथ किसी भी तरह का बिजनेस करते समय पूरी तरह चौकन्ना रहें, क्योंकि इस तरह की लापरवाही आपको नुकसान दे सकता है। बात करते हैं सेहत की। आप किसी भी स्थिति के लाभ हानि के बारे में अच्छी तरह नहीं सोचते हैं। जो कुछ आपके रास्ते में आ जाता है उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं। आपकी ग्रहों की स्थिति ऊर्जादायी है। इस ऊर्जा का प्रयोग अपने रास्ते में आने वाली एक अवसर को समझने के लिए करें और देखें कि क्या होता है। अपने स्वास्थ्य से शुरुआत करें। तले भुने खाने से बचकर रहें और अच्छी नींद लें। आज का उपाय। आज आप माता लक्ष्मी और गणेश भगवान जी की एक साथ पूजा अर्चना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।